हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीसी इंस्टीट्यूट। तो दोस्त, मेरे यूट्यूब चैनल आरबीसी इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्त, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो विद्यार्थी बायोलॉजी से होंगे, बिहार बोर्ड में 2022 में एग्जाम देने वाले होंगे इंटर का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें अगर आप इंटर में हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन एक नंबर का रहा है, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। देखिए, प्राकृतिक उपाय का मतलब देखिए, शिकार हो गया, ये प्राकृतिक उपाय है। परजीविता, ये भी प्राकृतिक उपाय है। तो आपका आंसर जाएगा क्या? सी आंसर जाएगा, एक का आंसर जाएगा सी। ठीक है, तो दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में से कौन जन दर नियंत्रक की शैल्य विधि है, यानी ऑपरेशन का विधि है। देखिए, वासेक्टोमी, जब हम वास डिफरेंस को काट देंगे मेल में, तो वासेक्टोमी यानी मेल से क्या होगा, स्पर्म का रिलीजिंग नहीं होगा। ठीक है, और रिलीज होगा लेकिन स्पर्म एजुकुलेटरी डक्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, यानी पेनिस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो और ट्यूबेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबलाइजेशन करते हैं यानी नसबंदी करते हैं। तो हमारा इसका भी आंसर जाएगा सी, दो का भी आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। आइए तीन नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस से कॉपर टी किसको रोकता है। कॉपर टी क्यों, काहे के लिए हम लगाते हैं फीमेल को। देखिए, मान लेते हैं ये हमारा यूटेरस है, वेजाइना हुआ है, ये मेरा यूटेरस हो गया। ठीक है, ये ओवरी हो गया। तो देखिए, ये फेलोपियन ट्यूब है, हम यहाँ से लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कॉपर टी लगाते हैं, इसको रोक देते हैं, क्या है कि इधर से ओवुलेशन ना हो। ठीक है, अंडा का उत्सर्जन ना हो। ठीक है, ओवुलेशन प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, कॉपर टी रोकता है किसको, अंडोत्सर्ग होता है। इसका आंसर जाएगा आपका बी। ठीक है, आइए चार नंबर क्वेश्चन कर रहा है, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम नलिका उजेतन, ट्यूबलाइजेशन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, आइए पाँच नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पाँच नंबर, निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है, जो यौन सेक्सुअल डिजीज है। ठीक है, जो सेक्स करने से डिजीज फैलता है उसको हम कौन, जैसे देखिए एड्स हो गया, जो सेक्सुअल डिजीज है, मान लेते हैं फीमेल को एड्स है और मेल को एड्स नहीं है, तो दोनों क्या करेगा, सेक्सुअल डिजीज है, दोनों को फैल सकता है। तो आइए छः नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यौन संचारित रोग है, ये भी वही क्वेश्चन, यौन से होने वाली रोग, देखिए गोनोरिया है, इसका आंसर जाएगा सी, गोनोरिया। सिफिलिस, एड्स, ये तीनों याद रखिएगा, यौन से होने वाली रोग है, यानी सेक्स से होने वाली रोग है, सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज है, AIDS, एड्स। ठीक है, ये तीनों, गोनोरिया, एड्स और सिफिलिस, तीनों याद रखिएगा, यौन संचारित रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो सात नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, अंतः गर्भाशय तकनीक की औसत असफलताएं की दर कितनी होती है। मान लेते हैं अंतः गर्भाशय यानी 4% जो होता है, अंतः गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर जो होती है 4% होती है। ठीक है, और आठ नंबर क्वेश्चन का है, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी जरूरत है। देखिए, यौन संचारित रोग से बचाव, जिसको यौन संचारित रोग है, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स है, उस फीमेल को से बचाओ, गर्भपात करना, यानी गर्भपात मतलब यानी जो भी मतलब डिलीवरी होता है, डिलीवरी से पहले मतलब बच्चा को नुकसान कराना, ये गर्भपात हुआ, इससे भी मतलब जनन स्वास्थ्य में कमी आती है। गर्भवती का समुचित देखभाल, जब जो भी गर्भवती डिलीवरी पेशेंट है उसको मतलब अच्छा से देखभाल करना, गर्भपात न कराना यानी डिलीवरी से पूर्ण मतलब ऑब्जर्वेशन नहीं कराना, और यौन संचारित रोग से बचाव। ठीक है, इनमें सभी आपका आंसर जाएगा डी। ठीक है, नौ नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जनसंख्या विस्फोटक का परिणाम क्या है। जनसंख्या जो विस्फोटक है उसमें आय में ह्रास हो जाएगा, भूमि का भी ह्रास हो जाएगा। और जनसंख्या विस्फोटक का परिणाम जो होता है ना, आय में भी ह्रास होता है, भूमि का भी नुकसान होता है और खनिज में भी ह्रास होता है। जब जनसंख्या विस्फोट हो गएगा ना, तो जब भूमि जो होता है, भूमि भी जमीन भी कम, मार लेते हैं किसी के पास एक कट्ठा जमीन है, उसके पास दो परिवार है तो ठीक है, 10 परिवार हो जा रहा है, तो उसमें भूमि का भी मतलब कमी होने लगेगा, आय में भी मतलब ह्रास, ठीक है, खनिज का भी मतलब खाने पीने का भी कमी होने लगेगा। तो इसका आंसर जाएगा आपका डी, नौ का भी इनमें से सभी है। कह रहा है दस में, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली जो होता है कौन कौन होता है। मालाडी भी
जो है ये भी गर्भ निरोधक है, जो ही खाता है खाती है जो भी औरत भी खाती है तो उसको गर्भ का धारण नहीं होता है, ठीक है। और माला एन भी है सहेली, तीनों टेबलेट जो है ये तीनों टेबलेट गर्भ निरोधक टेबलेट है, ठीक है। तो आपका इसका भी आंसर जाएगा डी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।